goes till I get out. Hello students, आज भौतिक विज्ञान की फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक विज्ञान का कोई भी समीकरण हो वह LHS RHS के बराबर होता है। उसकी विमा LHS के RHS के बराबर होनी चाहिए। कोई भी दूसरा उपयोग है भौतिक विज्ञान का कि विमीय विधि से किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। विमीय विधि द्वारा से समीकरण की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करना कोई भी भौतिक विज्ञान का समीकरण हो उसकी LHS की विमा RHS के बराबर होगी तब तो वह भौतिक विज्ञान का समीकरण है, अन्यथा की स्थिति में वह भौतिक विज्ञान का समीकरण नहीं है। दूसरा उपयोग मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे एक इक्वेशन ले ले, जांचें बताएं क्या भौतिक विज्ञान का समीकरण है कि नहीं। जैसे इक्वेशन है V=√2gh, क्या भौतिक विज्ञान का समीकरण है, कैसे जांचेंगे? देखें दोनों पक्षों में विमा लिखने पर V=√2h कॉन्स्टेंट, जी एच की पावर 1/2, जी कुर्ती त्रण, एच ऊंचाई, वेग विमा LT की पावर -1। इसकी विमा रखेंगे कुर्ती त्रण की LT की पावर -2 की पावर 1/2 इंटू एच यानी L की पावर 1/2, एच ऊंचाई LT की पावर -1 = L की पावर 1/2 इंटू टी की पावर -2 इंटू 1/2 एल की पावर 1/2 एल टी की पावर -1 आधा आधा 1 एल टी की पावर -1 अर्थात LHS RHS के बराबर। तो यह भौतिक विज्ञान का समीकरण होगा। समझ में आया होगा बच्चों कि भौतिक विज्ञान का कोई भी समीकरण हो उसकी विमा LHS की विमा RHS के बराबर आनी चाहिए। तो यह कहा जाएगा कि भौतिक विज्ञान का समीकरण है, अर्थात यह भौतिक विज्ञान का सत्य समीकरण। जैसे कोई इक्वेशन बहुत लंबा हो उसकी विमा कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे माना कि एक गति का समीकरण ले लो S=ut+ 1/2 at². इस तरह के एक इक्वेशन है तो इसके कैसे हम बताएंगे कि यह है LHS की विमा RHS के बराबर है? नो डिफिकल्ट, इसको दो पदों में पूर्ण करते हैं। S=ut, दूसरा S=1/2 at². प्रथम पद एंड सेकंड पद। प्रथम पद को देखते हैं S=ut, L वेग की विमा LT की विमा -1 इंटू टी की विमा टी, तो L यहां प्लस माइनस LHS RHS के बराबर, L प्लस गुड सही है। दूसरा पद S=1/2 1/2 इज कॉन्स्टेंट, S=8 S=L ए की विमा LT की पावर -2 टी की पावर 2 प्लस माइनस कैंसिल L=L अर्थात यह है जेबी
ट्रू है। तो कहा जाएगा यह भौतिक विज्ञान का समीकरण है। माना कि एक ऐसा इक्वेशन, और कोई इक्वेशन ले, जैसे इक्वेशन लिया टी इज इक्वल टू टू पाई एल अपॉन जी, टी इज इक्वल टू टू पाई एल अपॉन जी क्या भौतिक विज्ञान का समीकरण है कि नहीं, सत्यता की जांच करना है। टू पाई इज कॉन्स्टेंट, टी इज इक्वल टू एल अपॉन जी, एल लंबाई, जी गुप्ति त्रण, टी आवर्त काल, टी की विमा टी, एल की विमा एल, ऊपर जाएगा नीचे रख रहे गुप्ति त्रण एल टी की पावर माइनस टू, एल से एल कैंसिल, टी इक्वल टू वन अपॉन टी की पावर माइनस टू, ऊपर ले जाओ टी इक्वल टू टी की पावर माइनस टू, लिखा जाएगा एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, अर्थात यह भौतिक विज्ञान का समीकरण नहीं है, इसलिए इस भौतिक विज्ञान के समीकरण को अशुद्ध मानेंगे। ओके, समझ में आया होगा, बीमी विधि से समीकरण की सत्यता की जांच करना। ओके, थैंक यू।